तो भाई आज की वीडियो में कुछ भी कहने से पहले हम यही कहना चाहेंगे हैप्पी बर्थडे किंग कोहली एंड थैंक यू किंग कोहली जो आपने इस देश के लिए एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही घनघोर वाला कंट्रीब्यूशन दिया। अब हालांकि होने को बर्थडे आपका है कायदे से तो हमें आपको गिफ्ट देना चाहिए लेकिन फिलहाल आपको गिफ्ट तो नहीं दे सकते हैं पर आपसे एक रिटर्न गिफ्ट की आकांक्षा जरूर रख सकते हैं। अब वो रिटर्न गिफ्ट क्या है कि आज के दिन आपकी 49 सेंचुरी देखने को मिल जाए बस मजा आ जाएगा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। हालांकि मैं जानता हूं कि इस वक्त पे बहुत से इंडियंस को मजा नहीं आ रहा होगा खासकर जब से कल के दिन पाकिस्तान को जीत मिली है और जब से ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान है वो अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। तो भाई वीडियो को देखते रहो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसे सुन के अगर तुम्हारे मन में ये असमंजस चल रही है कि क्या सच में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकती है तो वो जो कंफ्यूजन है वो दूर होने वाला है। लेकिन देखो जैसे हर फील्ड का एक दादा होता है ना तो वैसे ही वर्ल्ड कप 2023 में जो टीम दादा बनी हुई है वो कोई और नहीं वो है इंडियन क्रिकेट टीम। अब जैसे वर्ल्ड कप 2023 की दादा इंडियन टीम बनी हुई है तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई जब बात आती है प्रेडिक्शन की तो प्रेडिक्शन के मामले में दादा कौन है तो वो हैं राहुल दादा। राहुल दादा वो हैं जिनकी ना के बराबर प्रेडिक्शन गलत जाती है यानी कि 99.9% यहां पे जो उनकी प्रेडिक्शन होती है एकदम करेक्ट होती है। अब देखो मेरी बात विश्वास मत करना कुछ दिन बचे हैं वर्ल्ड कप के अंत होने में एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से राहुल दादा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो कसम से तुम खुद कहोगे भाई इतनी प्रेडिक्शन आखिर कोई कैसे दे सकता है। व्हाट्सएप नंबर भी यहां पे दे रहा हूं उनका जाके सिर्फ डीएम कर दो फ्री में सारी प्रेडिक्शन मिल जाएंगी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी बस उस इंफॉर्मेशन को उठाना है और कुछ ही देर में इंडिया साउथ अफ्रीका का जो मैच शुरू होना है उसके लिए टीम बनाना है या फिर प्रेडिक्शन करना है और उसके बाद चलते हुए मैच में जहां कोहली भाई की सेंचुरी को एंजॉय करना है तो सेम टाइम पे पैसा ही पैसा कमाना है तो जल्दी जाओ राहुल दादा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है और उसके बाद जैसा मैंने कहा चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा कमाओ। पर अब देखो आते हैं अपने असल मुद्दे पे कि क्या सच में पाकिस्तान की वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं। तो देखो दो पल के लिए ये सत्य है, ये सत्य है कि चांसेस यहां पे थोड़ी सी ज्यादा हो गई हैं क्योंकि न्यूजीलैंड पाकिस्तान से पहले जो मैच खेली थी वो काफी लंबे से हार गई थी और कल के दिन 400 रन मारने के बावजूद भी मतलब 400 रन मारने के बावजूद भी हार गई। हालांकि इसमें डीएल मेथड का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, अगर मैच पूरा होता तो कहीं पे भी टर्न अराउंड होता ना तो मैच सीधे न्यूजीलैंड के खेमे में आ सकता था क्योंकि बाबर आजम जिस तरीके से खेल रहे थे वो ज्यादा मूड में थे नहीं जीतने के, आराम से मस्त अपनी इंडिविजुअल पारी खेलने में लगे हुए थे। हालांकि फकर जवान एक नंबर खेल रहे थे लेकिन बाबर आजम पूरे तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि कुछ भी करके यहां पर पाकिस्तान को मैच हराना है पर साला जो ये डीएल मेथड लगाना सारा खेल खराब कर दिया। पर अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है, आगे का हिसाब देखो बहुत ही सिंपल सा है कि न्यूजीलैंड अगर अपना अगला मैच जीत जाती है और पाकिस्तान अपना अगला मैच हार जाती है तो न्यूजीलैंड सीधे क्वालिफाई हो जाएगी। लेकिन होता है अगर इसी का उल्टा कि न्यूजीलैंड मान लो अपना आखिरी मैच हार जाती है और पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जीत जाती है तो सीधे तो यहां पे पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं होगी क्योंकि बीच में अफगानिस्तान भी खेला खेल सकती है पर अफगानिस्तान देखो बहुत बड़ा यहां पे पत्थर का रोड़ा नहीं बनेगी क्योंकि अफगानिस्तान को तो अपने अगले दोनों मैच जीतने हैं जो कि बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि अफगानिस्तान के अभी मेन टीमों के खिलाफ मैच बचे हुए हैं और वहीं पे अगर अफगानिस्तान अपने अगले दो मैचों में से एक जीत जाती है और एक हार जाती है तो मामला आ जाएगा रन रेट पे और पाकिस्तान के कंपैरिजन में जो अफगानिस्तान का रन रेट है वो बहुत ही खराब है। तो इसीलिए मुझे लगता है अफगानिस्तान को आप ऑलमोस्ट यहां पे बाहर मान सकते हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि देखने में पॉइंट्स टेबल में लगता है कि अफगानिस्तान पांचवें नंबर पे है लेकिन अफगानिस्तान के जो बचे हुए दो मैच हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट टीम्स के खिलाफ होने हैं। पर फिलहाल अगर बात करें फिर से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की तो अगर हम ये मान लें कि न्यूजीलैंड भी अपना अगला मैच श्रीलंका से जीत जाती है पाकिस्तान भी अपना अगला मैच इंग्लैंड
इंग्लैंड से जीत जाती है तो रन रेट का यहां पे क्या खेल होगा। तो रन रेट तो देखो फिलहाल न्यूजीलैंड का जो है वो पाकिस्तान से बेहतर चल रहा है। मतलब अंदाजे के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर न्यूजीलैंड अपना अगला मैच मात्र एक रन से भी जीतती है तो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को रन रेट में अगर पीछे छोड़ना होगा तो उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ कम से कम 131 रन से तो जीतना ही होगा। मतलब फिलहाल उम्मीद ये करो कि न्यूजीलैंड कुछ भी करके अपना अगला मैच जीत जाए, फिर देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या करना है। बाकी देखो यहाँ पे ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, इनफैक्ट आप लोगों को तो खुशी होना चाहिए क्योंकि देखो अगर इतनी आसानी से पाकिस्तान बाहर हो जाती ना तो वो दुख असल में पाकिस्तान टीम को महसूस नहीं होता। पर अब जब थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ गई हैं और अब वो उम्मीदें जब टूटेंगी ना तो जो दुख होने का लेवल होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो असल में अब उनके दुख का लेवल ज्यादा होगा तो हमारी खुशी का भी जो लेवल है वो भी तो ज्यादा हो जाएगा ना। के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना करे, अभी देखा ना क्या हुआ, आपने खुद देखा भाई साहब क्या हुआ। खैर लेवल से याद आया कि लेवल तो असल में इस समय क्रॉस कर रखा है पाकिस्तान के बॉलरों ने। मतलब आपस में ये कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव जाएगा। कल के दिन सबसे पहले जैसे ही हारिस रॉफ अपना स्पेल कंप्लीट करते हैं तो वो वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पाकिस्तान के लिए सबसे महंगा स्पेल फेंकने वाले बॉलर बन जाते हैं। लेकिन शाहीन अफरीदी कहते हैं भाई बड़ा बॉलर कौन है, बड़ा बॉलर कौन है, वो आते हैं डालने आखिरी ओवर और वो बन जाते हैं पाकिस्तान की वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे बड़ा महंगा, सबसे ज्यादा महंगा स्पेल डालने वाले बॉलर। बाप है हम लोग तेरे, समझा। वैसे अगर तुम्हें किसी को बहुत ही आसान भाषा में समझाना हो ना कि वर्ल्ड कप 2023 में इंडियन टीम की बॉलिंग और पाकिस्तान टीम की बॉलिंग में क्या फर्क रहा है तो उससे सिर्फ इतना कह देना कि वर्ल्ड कप 2023 में जो हारिस रॉफ की इकोनॉमी रही है 6.71 की, वो असल में मोहम्मद शामी की एवरेज रही है। जी हाँ, जो इकोनॉमी असल में हारिस रॉफ की रही है उतनी वही 6.71 की एवरेज मोहम्मद शामी की चल रही है। तो बस यही फर्क है पाकिस्तान के बॉलरों में और इंडिया के बॉलरों में। लेकिन देखो कल के दिन इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए भी एक ऐसी खबर आती है जिससे आने वाले वर्ल्ड कप के सफर में भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। क्योंकि कल के दिन ये खबर आती है कि जो हार्दिक पांड्या हैं वो वर्ल्ड कप 2023 से रूल आउट हो चुके हैं। कुछ लोग ये खबर सुन के थोड़ा सा सुकून में आ गए कि चलो अब बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होगा कि शामी को बाहर करें या सिराज को बाहर करें, सूर्या को खिलाएं या ना खिलाएं। पर देखो नुकसान तो होगा हार्दिक पांड्या के जाने का, क्योंकि अभी हम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए हैं कि क्या सच में सूर्या के होने से हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि देखो एक चीज तो कंफर्म है कि सूर्या बॉलिंग नहीं कराते हैं, मतलब बैटिंग में उनको इतना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन तो देना होगा, जब भी उन्हें मौका मिलता है इतना कंट्रीब्यूशन तो देना होगा कि वो अपना इंपॉर्टेंस फील करा सके। अभी तक एक पारी में उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है लेकिन इतने से काम नहीं बनने वाला है। बाकी देखो बॉलिंग में तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जो पांच बॉलर्स हैं ना वो हमेशा अच्छी बॉलिंग कराएंगे। बहुत ही कम ऐसा होगा कि हमें यह महसूस हो कि काश यहां पे छठा बॉलर होता ना तो थोड़ी सी मदद हो सकती थी। लेकिन सेम टाइम पे एक चीज तो महसूस जरूर होगी, किसी ना किसी मैच में तो जरूर महसूस होगी कि थोड़ा सा कोई ऐसा बॉलर होता जो ठीक ठाक यहां पे बैटिंग कर लेता तो शायद रन ज्यादा पड़ सकते थे। देखो फिलहाल प्रार्थना यही करते हैं कि ऐसी जरूरत महसूस ना हो, लेकिन वक्त को अगर देखें, इतिहास को अगर देखें तो यह जरूरत जो है ना महसूस एक ना एक बार होती जरूर है। लेकिन अब जहां कल के दिन हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप 2023 से रूल आउट कर दिए गए तो सेम टाइम पे केएल राहुल को बना दिया गया है बाकी मैचेस में वाइस कैप्टन इंडिया का। यानी जो पुराना वक्त था केएल राहुल का वो सिर्फ बैटिंग में नहीं लौट रहा है बल्कि और तरीकों से भी लौट रहा है। क्योंकि एक वक्त था भैया वो वाइस कैप्टन हुआ करते थे, ऐसा माना जाता था कि आने वाले वक्त में यही बंदा होगा जो भारतीय टीम का कप्तान बनेगा। लेकिन फिर बुरा दौर आया, बुरा वक्त आया, केएल राहुल से उनकी पदवी छीनी गई। लेकिन वापस से जब अच्छा दौर आ रहा है, अच्छा वक्त आ रहा है तो कहा गया है कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप ही बनिए अब हमारे वाइस कैप्टन। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है एकदम सच सच बताना कि किस किस को लगता है कि सच में हमें हार्दिक पांड्या की एक अच्छी खासी कमी महसूस हो सकती है, या फिर किस किस को लगता है कि ज्यादा यहां पे अंतर महसूस नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी आपकी ऑनेस्ट राय है कमेंट जरूर
बताइएगा। और देखो जैसा मैंने अभी अभी कहा ना कि ऐसा होगा तो नहीं कि इंडिया को अपने छठे बॉलर की जरूरत यहां पे महसूस हो, लेकिन अगर ये जरूरत महसूस हो भी जाती है तो कल के दिन राहुल द्रविड़ इस जरूरत का आंसर देते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो कहते हैं कि देखिए छठे बॉलर की अगर जरूरत पड़ गई ना तो कोहली भैया बैठे हुए हैं। हालांकि वो थोड़ा अलग तरीके से बॉलिंग कराते हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि अगर हमें गलती से जरूरत पड़ गई तो कुछ ओवर्स तो हमें 100% यहां पे निकाल के दे सकते हैं। मतलब कोहली भाई आखिर क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे। वैसे आज उनका जन्मदिन है तो उम्मीद करते हैं कि एक तरफ उनकी जहां हमें सेंचुरी देखने को मिल जाए तो दूसरी तरफ अगर थोड़ी सी बॉलिंग भी देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा ना। बाकी देखो आज के दिन सेंचुरी आती है नहीं आती है वो तो वक्त ही बताएगा। आप लोगों का क्या मानना है कि क्या कोहली के बल्ले से आज आएगी 49 सेंचुरी, जिस जिसको भी यकीन है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी सेम टाइम पे अगर आप मैच शुरू होने से पहले ये जानना चाहते हैं कि कौन सा बैट्समैन यहां पे फोड़ने वाला है, कौन सा बॉलर यहां पे धमाल मचाने वाला है, तो जैसा मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है, दादा के पास जाना है। कौन से दादा? राहुल दादा का टेलीग्राम चैनल है लिंक में और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके व्हाट्सएप करिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठाइए और मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है इंडिया साउथ अफ्रीका का, उसके लिए चाहे टीम बनाइए चाहे प्रेडिक्शन करिए और चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा बनाइए। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।